वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम लाए हैं एक अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर जिसका सस्पेंस क्लाइमेक्स से पहले कोई गैस नहीं कर पाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत में एक यंग लड़की को दिखाते हैं जो एक हाई फाई अपार्टमेंट में रहती है। यहाँ के फ्लैट्स में हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल लॉक्स होते हैं जिन्हें कार्ड स्वाइप करके और नंबर पंच करके खोला जाता है। ये लड़की एक्सेस कार्ड से अपने फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर जाती है और तभी पावर कट हो जाती है और अंदर अंधेरे का अंधेरा। वो टॉर्च ऑन करके कमरे में जाती है और नोटिस करती है कि उसका कबर्ड खुला हुआ है और उसे लगता है कि कोई अंदर जरूर आया होगा। फिर वो धीरे से कबर्ड खोलती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तब उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है और चिल्लाने की कोशिश करती है कि अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। लगता है किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया है। और तब बाहर से लॉक को दिखाते हैं जिसका डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा होता है और ऐसी आवाज आती है जैसे कि अंदर से कोई किसी को जोर जोर से पीट रहा हो। और तभी मूवी का टाइटल डोर लॉक डाल के मूवी शुरू होती है। कुछ दिन बाद मिन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो सो रही होती है और दोस्तों यही है मूवी की हीरोइन। उसके साथ एक आदमी सोया होता है जो शायद उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी वॉच का अलार्म बजता है और वो उठकर तैयार होता है और बाहर चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद मिन उठती है और रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार होती है, लेकिन वो जरा टायर्ड दिखती है। वो बाहर आकर देखती है कि डोर लॉक का कवर खुला हुआ है और उसके नंबर पैड पर अजीब सी गंदगी भी लगी हुई है। उसको शक होता है कि किसी ने नंबर प्रेस करके इसको खोलने की कोशिश की होगी, इसलिए वो नंबर पैड को साफ करके लॉक का पासवर्ड ही चेंज कर देती है। फिर वो अपने ऑफिस ले जाती है। मिन एक बैंक में इंश्योरेंस सेल्स का काम करती है और बहुत ही इनोसेंट टाइप की लड़की है। ये है उसकी फ्रेंड और कलीग हाइजो। वो कहती है कि तुम काम ही काम करती रहती हो, अरे अरे मेरी तेरे ऑफिस के कलीग से मिल जुलो, कस्टमर से हंस हंस कर बातें करो, गप्पे लड़ाओ और एंजॉय करो, लेकिन तुम तो इंसेंटिव मांगने के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलती। और इस पर मिन कहती है कि यही मेरा नेचर है और अब अचानक खुद को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है और ऊपर से एक नई मुसीबत आ गई है। मुझे लगा कि मेरा अपार्टमेंट बहुत ही हाई फाई और सेफ है, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे घर में घुस रहा है और शायद मुझको फॉलो भी कर रहा है, और मुझे घर जाते ही डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत और एक बॉयफ्रेंड रख लो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब ऑफिस के बाद मीन अपने घर जाती है। सिक्योरिटी उसको एक पार्सल निकाल कर देता है जो उसके नाम का आया होता है, और पार्सल को लेकर मीन ऊपर जाती है तो लॉक का कवर फिर से खुला होता है और वहां पर एक स्टिक नोट भी होता है। दरअसल उसकी माँ आई थी और ये नोट छोड़कर चली गई थी। नोट में लिखा होता है कि शायद तुमने पासवर्ड को चेंज कर दिया इसलिए मैं डोर नहीं खोल पाई, घर आते ही फोन जरूर कर लेना। अब मिन अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है मुझे अक्सर लॉक का पासवर्ड बदलना पड़ता है माँ, और यहाँ रहने में मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है, क्या आपने ही लॉक का कवर खुला छोड़ दिया था? और उसकी माँ उसको दिलासा देती है कि शायद मैं ही भूल गई थी और मैंने कवर को खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन इसमें इतना डरने की क्या बात है, अब तुम अंदर जाकर जरा आराम करो। कॉल काट कर मीन अंदर जाती है और खाना खाने की कोशिश करती है कि अचानक डोर पर कोई दोबारा पीटता है। वो पहले बहुत डरी भी होती है लेकिन फिर भी धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है, बाहर कोई नहीं होता, पर वहाँ पर सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा पड़ा होता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। फिर दो पुलिस ऑफिसर्स आकर उसको सवाल करते हैं कि क्या आपका दरवाजा टूट गया है या फिर कोई चीज चोरी हो गई है, क्या आप पर अटैक करने की किसी ने कोशिश की है? और मीन सारे सवालों का जवाब ना में देती है। वे कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम केस किस पर करेंगे, शायद आपके किसी पड़ोसी ने गलती से डोर पर पीट दिया होगा। लेकिन मीन बार बार यही कहती है कि कोई मेरे घर में घुस आया है और मुझको बहुत ही डर लग रहा है। अब पुलिस वाले भी जरा तंग आकर कहते हैं कि पहले अपने डर का इलाज कीजिए मैडम, और दोबारा हमें बुलाने से पहले 100 बार सोचो, हम फालतू नहीं है, और ये कहकर वो चले जाते हैं। अब उस रात मीन बहुत ही गहरी नींद में होती है कि अचानक बाथरूम से एक आदमी की परछाई आती है और फिर दिखाते हैं कि वो मीन के पास बैठकर उसके बाल सहलाता है और पास ही सो जाता है। लेकिन सुबह मीन अकेले ही उठती है। वो उठकर चलने की कोशिश करती है लेकिन बहुत ही टायर्ड फील करती है। फिर वो तैयार होकर नीचे आती है। अब क्योंकि पुलिस उसकी मदद तो कर नहीं रही है इसलिए वो खुद ही जांच करने का फैसला करती है। नीचे मॉर्निंग शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड मीन से कहता है कि कल आपके लिए एक पार्सल आया था और मैंने उसको नाइट शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया था। क्या आपको पार्सल मिला? हाँ मिल तो गया, लेकिन कल रात मेरे फ्लैट के पास कोई आया था, क्या आप सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझको बता सकते हैं? वो पूछता है कि आपको अभी देखना है कि बाद में, लेकिन मीन कहती है कि अभी तो मुझको लेट हो रहा है, मैं आकर ही देखूंगी। अब अगले दिन ऑफिस में मीन अपने फ्रेंड हाइजो के साथ लंच कर रही होती है और वहां पर मीन फिर से अपने डर का जिक्र करती है तो हाइजो उसको कहती है कि तुम फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगा लो ना, तब तो तुम्हारे अलावा कोई और उसको खोल नहीं पाएगा, और दूसरी बात यह है कि तुम हमेशा अकेले रहती हो और किसी से बात भी नहीं करती, इसलिए तुम्हें हर बात से डर भी लगने लगा है। तुम एक काम करो, वो जो अपना मैनेजर है ना उसको डेट पर लेके जाओ और उसको फंसाओ।
और इस तरह की बात इनके बीच चली रही होती है। अमीन भी डिसाइड करती है कि वो जरा हंसमुख रहेगी और लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करेगी। उस दिन किम नाम का एक कस्टमर आता है और मिन उससे हंसकर बातें करने लगती है। इतना ही नहीं, वो किम को एक इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए भी कन्विंस कर लेती है और उसको अपना विजिटिंग कार्ड देती है। तब हाइजो आकर धीमी आवाज में कहती है कि इसे ट्राई मत कर, इसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब ये सुनकर मिन के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, लेकिन किम पूछता है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पीएंगी, और मिन मना कर देती है। और अब किम बहुत ही इनडिसेंटली चिल्लाने लगता है कि अब तक तो हंस के बात कर रही थी और जब पता चला कि मेरा अकाउंट एकदम खुला है तो मना कर दिया। वाह, वहां का माहौल देखकर मैनेजर आ जाता है और उसको समझाने लगता है, लेकिन किम मैनेजर को भी गाली देने लगता है। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उस आदमी को बाहर भेज देता है। और अब ये देखकर मिन बहुत ही इंसल्टेड फील करती है और घर जाती है। वो डरी हुई और काफी कंफ्यूज है कि उसकी लाइफ में ये हो क्या रहा है, और फिर थकान के मारे वो सो जाती है। और अब इस मूवी का सबसे डरावना सीन आ रहा है। उसके बेड के नीचे से एक आदमी बाहर आता है और वो एक रुमाल को मिन की नाक पर रखता है और मिन को बेहोश कर देता है। तब जाकर हमको पता चलता है कि पहले जो आदमी मिन के साथ सोया हुआ दिखाई दिया था वो उसका बॉयफ्रेंड या उसकी पहचान का कोई नहीं बल्कि यही आदमी था। और मिन को बेहोश करके वो सीधे बाथरूम में जाता है और आराम से नहाता है, फिर वहां से अपने सारे निशान मिटाकर कमरे में आता है और मिन से लिपट कर आराम से सो जाता है। अब ये देखकर हमें भी डर लगने लगता है कि ये आखिर है कौन और कर क्यों रहा है। खैर, ये तो बाद में पता चलेगा। अगले दिन ऑफिस में उसका सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अगर तुम ठीक से परफॉर्म कर सकी तो तुम्हें परमानेंट करूंगा, ठीक है। मिन बहुत ही टेंस और कन्फ्यूज होती है। वो ठीक से खा भी नहीं पाती और रोज देर से उठती है क्योंकि रात को वो आदमी मिन को एनेस्थेसिया दे रहा होता है और इस वजह से वो हमेशा ही कन्फ्यूज रहती है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। अब बैंक में भी कैश ट्रांजेक्शन में उससे काफी गलती होती रहती है और वो अपने पैसे भरकर उन कैलकुलेशन को टैली करने की कोशिश करती है। उसके बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर का कॉल आता है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। फिर बहुत देर बाद वो बाहर आती है और बस के लिए वेट कर रही होती है। रात भी हो चुकी होती है और वो डरी सहमी बस स्टॉप पर खड़ी रहती है। तब किम वहां जाता है और उसे जबरदस्ती कॉफी शॉप के लिए लेके जाने लगता है। अब ऐन वक्त पर बैंक मैनेजर आ जाता है और उसको वार्न करता है कि आइंदा इस एरिया में नजर आया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर वो मिन को वहां से लेके जाता है। अब मिन घर आकर डोर खोलती है तो पावर कट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सीन में उस लड़की के साथ हुआ था। तब अचानक डोर पर कोई नॉक करता है और मिन और भी घबरा जाती है कि अब कौन है। वो डोर खोलती है तो उसका मैनेजर खड़ा होता है। तुम अपना पर्स मेरी कार में भूल गई थी, ये कहकर वो पर्स देता है। अब मिन बताती है कि पावर कट हो गई है। मैनेजर को उसके चेहरे पर बहुत ही डर नजर आता है और कहता है कि मैं अंदर आकर चेक करता हूँ, पक्का फ्यूज में कोई प्रॉब्लम होगी। मिन उसको अंदर आने देती है और वो अंदर आकर देखता है कि ओवरलोड से पावर ऑफ हो गई है। वो मेन स्विच को फिर से ऑन कर देता है। अब वो चारों ओर देखकर पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहीं पर रहता है? यहाँ जेंट्स की बहुत सारी चीजें मुझको दिखाई दे रही हैं। मिन कहते हैं कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीजें रखती हूँ। और अब वो अपना हाथ धोना चाहता है तो मिन बाथरूम में रखी सारी जेंट्स की चीजों को छुपा लेती है ताकि वो और सवाल न करे। अब वो अंदर जाकर हाथ धो रहा होता है और मिन को अचानक कुछ सूझता है और वो पूछती है कि मैंने अपना फ्लैट नंबर तो आपको कभी बताया नहीं, आपको मेरे फ्लैट के बारे में कैसे पता चला? और अब मैनेजर का चेहरा एकदम उड़ जाता है, लेकिन मिन इस पर ज्यादा गौर नहीं करती और कहती है कि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, और ये कहकर अचानक फ्लैट के बाहर चले जाती है। अब मैनेजर कंफ्यूज्ड है कि कॉफी लेने ये बाहर क्यों गई, और वो कैजुअली डोर को अंदर से बंद कर देता है। दरअसल मिन बाहर कॉफी लेने नहीं बल्कि पुलिस को कॉल करने आई होती है। पुलिस ऑफिसर आकर डोर खोलता है तो वे देखते हैं कि डोर के नॉब से मैनेजर का टाई बंधा हुआ है और मैनेजर मर चुका है। अब ऑफिसर मिन को अरेस्ट करके लेके जाता है और पुलिस को पूरा यकीन होता है कि मिन ने ही अपने मैनेजर का खून किया है। फिर ये केस पुलिस ऑफिसर ली को दिया जाता है जो मिन को इंक्वायर करता है। वो कहता है कि मैनेजर की बॉडी से हमें जो एनेस्थीसिया का ट्रेस मिला है, अगर तुम्हारे फ्लैट में भी वही एनेस्थीसिया मिला तो तुमको जेल के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब उसकी धमकी सुनकर मिन बड़ी रोने लगती है। तब ली का सीनियर ऑफिसर उसको बुलाकर कहता है कि इस तरह उसको टॉर्चर मत करो, मुझे नहीं लगता कि उसने खून किया होगा। वो लड़की अकेली रहती है और ऑलरेडी कई बार कंप्लेन भी कर चुकी है कि उसके फ्लैट के अंदर कोई घुस आया है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक ने बताया कि वहां बैंक मैनेजर और मिन के अलावा एक तीसरा आदमी भी था और उसके निशान भी वहां पर मिले हैं, इसलिए तुम उस लड़की को छोड़ दो। और इस पर मिन को छोड़ भी दिया जाता है। अब अगले दिन मिन ऑफिस जाती है, लेकिन उसके कलीग्स उसे मैनेजर का खूनी बताकर उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उसका सीनियर ऑफिसर उसको नौकरी से भी निकाल देता है। वो बहुत ही मायूस होकर घर लौट आती है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? वो कहता है कि सॉरी मैडम, मैं भूल गया था, अभी चेक करता हूँ। और ये कहकर दोनों उस रात का फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, पता चलता है कि 6th फ्लोर का कोई फुटेज ही नहीं है।
मिन के पूछने पर सिक्योरिटी वाला बताता है कि 6th फ्लोर का कैमरा काफी दिनों से खराब है और मैं उसको जल्दी ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। अब मिन बताती है कि उस रात मुझे फ्लैट के बाहर सिगरेट का टुकड़ा भी मिला था। वो कहता है कि किसी ने पीकर वहाँ फेंक दिया होगा, किसी ने शराब पीकर अपना घर समझकर आपका डोर नॉक कर दिया होगा। अब मिन को बहुत ही टेंशन में देखकर वो भी मिन के साथ 6th फ्लोर में आता है और मिन का घर चेक करता है और कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं दिखता, और ये कहकर वो चला जाता है। अब मिन घर को साफ करने लगती है तो उसको एक छोटा एक्सेस कार्ड मिलता है जो उसी अपार्टमेंट के किसी फ्लैट का है, और पुलिस का बर्ताव देखकर वो दोबारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहती और खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। वो 6th फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक हर जगह चेक करती है लेकिन उस एक्सेस कार्ड से कोई भी लॉक नहीं खुलता। फिर वो अपने फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में यानी 701 फ्लैट में एक्सेस कार्ड को स्वाइप करती है, लॉक खुल भी जाता है और मिन अंदर जाती है। अंदर सिर्फ गर्ल्स के आइटम्स होते हैं और वहाँ पर एक लड़की की फोटो भी होती है और कुछ क्रेडिट कार्ड्स बिल भी होते हैं, और फिर मिन उन बिल्स को उठाकर रख लेती है जिसमें उस लड़की का नाम होता है। उससे मिन को पता चल जाता है कि उसने कहाँ कहाँ अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है। वो हाइजो को ये सब बताती है और कहती है कि इस लड़की के डोर का एक्सेस कार्ड मेरे घर में कैसे आया। इतना ही नहीं, वो लड़की अपने घर में भी नहीं है। तब हाइजो कहती है कि इन बिल्स पर उस लड़की का फोन नंबर है, तुम इसको फोन करो, लेकिन वो लड़की फोन भी नहीं उठाती। अब हाइजो उस लड़की को मैसेज भेजती है कि फोन उठाओ वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर दोनों क्रेडिट कार्ड का बिल देखते हैं तो उसमें एक सुपरमार्केट का नाम होता है जहां उस क्रेडिट कार्ड से एक आइटम रोज खरीदी गई होती है। वीकेंड्स में वो आइटम रात को 8 बजे खरीदी गई होती है लेकिन हर सैटरडे को वही आइटम दोपहर 1 बजे खरीदा गया होता है। उस आइटम का रेट $3.20 है। आज सैटरडे है और कुछ देर में 1 बज जाएंगे। अब दोनों फ्रेंड्स उस सुपरमार्केट में जाती हैं और सोचने लगती है कि $3.20 में कौन सा आइटम्स आएगा, और दोनों को भूख भी लगती है और वे खाना खाने बैठ जाती हैं। तब हाइजो के मोबाइल पर उस लड़की का मैसेज आता है और उसने अपने मैसेज में हाइजो का नाम लिखा होता है। अब ये दोनों बड़ी शॉक में हो जाते हैं कि मिन के फ्लैट में रहने वाली लड़की को हाइजो का नाम कैसे पता, और तब ये देखते हैं कि उस सुपरमार्केट में एक लड़की $3.20 का कोई आइटम खरीद रही है और फोन पर मैसेज करते हुए बाहर जाती है। अब ये दोनों छुपकर उस लड़की का पीछा करती हैं, लेकिन कुछ दूर पर दो रोड सेपरेट हो जाती हैं और इनको पता ही नहीं होता कि वो किस रोड पर गई है। अब ये दोनों भी अलग अलग हो जाती हैं और इनका प्लान होता है कि जो उस लड़की को देखेगा वो दूसरे को कॉल करेगा। हाइजो उस लड़की को देख लेती है और उसको फॉलो करती है, और दूसरी ओर मिन देखती है कि एक घर के आगे कैट फूड का एक डब्बा होता है जो $3.20 का आता है। वो उस घर का दरवाजा नॉक करती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, पर वो नोटिस करती है कि घर का लॉक बिल्कुल उसके अपने डोर लॉक जैसा ही है, और मिन को शक होने लगता है और वो अपने डोर लॉक का पासवर्ड उसमें एंटर करती है, और ये क्या, डोर खुल गया। अब मिन अंदर जाती है। दूसरी ओर हाइजो उस लड़की को पकड़कर मारती है और पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और मिन के फ्लैट में तुम क्या कर रही थी, पर वो लड़की उल्टा उसको धमकाती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं अभी पागलखाने को फोन करती हूँ। मतलब ये कि मिन का रास्ता ही ठीक था, मिन ही सही जगह पर गई थी। मिन जैसे उस घर के कमरे में जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें रुक जाती है। बेड पर एक लड़की को बेहोश हालत में बांध कर रखा होता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है लेकिन तब एक आदमी अंदर आता है। अब मिन कॉल को कट कर देती है और बेड के नीचे छुप जाती है। अब वो आदमी उस लड़की का नाम लेकर उससे बातें करने लगता है, और दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, पहले सीन की वही लड़की है जिसे उसके फ्लैट के अंदर से एक आदमी ने अटैक किया था। अब मिन समझ जाती है कि इसी आदमी ने इस लड़की का एक्सेस कार्ड मेरे घर पर गलती से छोड़ दिया होगा। मतलब यही आदमी मिन के फ्लैट में भी आता जाता रहता था। मिन ने उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन वो जानती है कि वो उस लड़की को एनेस्थीसिया दे रहा है। फिर वो दूसरे कमरे में कुछ लेने जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मिन बेड के नीचे से निकलकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है, और आगे का सीन बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। जैसे जैसे वो आदमी कदम कदम पर आगे चलता है पीछे से मिन दबे पांव एक एक कदम मिलाकर चलती है। फिर भी वो छुपकर देखती है कि वो आदमी कर क्या रहा है। वो एक आरे से उस लड़की का हाथ काटने लगता है और ये देखकर तो मिन के प्राण लगभग निकल ही जाते हैं, और वो डर के मारे दरवाजा खोलकर भागने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उसको चेस करने लगता है। वो गलियों के बीच से निकलकर भाग रही होती है पर पता लगता है कि वो आदमी इन गलियों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, और मिन का पीछा वो छोड़ता नहीं। मिन चिल्लाने लगती है तभी वो आदमी उसको पकड़ लेता है और मार डालने की कोशिश करता है। तब हाइजो एक छोटी सी गाड़ी में आकर उसको अटैक करती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसको मारने जाता है तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और हाइजो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब वही पुलिस ऑफिसर ली आता है और फिर एक बार मिन पर ही शक करता है। वो कहता है कि तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ ऐसे ही हादसे होने लगते हैं, हमने तुम्हारा घर भी चेक कर लिया लेकिन वहाँ पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला। मिन बेचारी चुप रहती है और इसलिए ली उस पर और भी रौब जमाने लगता है, लेकिन हाइजो वैसे नहीं है। वो ली पर चिल्लाती है कि आपको पुलिस की नौकरी किसने दी, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, यहाँ एक आदमी ने हमारी जान लेने की कोशिश की है और आप हम पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। तब ली पूछता है कि उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि नहीं, एविडेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
और तब मेन बताती है कि उस आदमी ने एक ओल्ड मॉडल डिजिटल वॉच पहनी हुई थी और मैं उस वॉच को आइडेंटिफाई भी कर सकती हूँ। तब बाकी पुलिस वाले आकर बताते हैं कि उन्हें एविडेंस मिल गया है। अब ली जाकर देखता है तो उस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर एक ड्रम होता है जिसमें उस लड़की का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। इतना ही नहीं, उस हाथ में मीन का विजिटिंग कार्ड भी होता है। और तब मीन बताती है कि बैंक में किम नाम के कस्टमर को उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और बाद में किम ने उसको परेशान भी किया था। अब पुलिस किम को उठा लेके आती है और ली उसको इंटरोगेट करने लगता है, पर किम ली के सामने ही मीन को गाली देने लगता है और कहता है कि मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब ली उसके हाथ में एक ओल्ड मॉडल वॉच को देखता है और उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं कई साल से इस वॉच को पहन रहा हूँ। तब हमें एक फुटेज दिखाया जाता है जिसमें किम मीन के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था और वो भी उस रात को जब मीन के मैनेजर का खून हुआ। ली पूछता है कि उस रात तुम अपार्टमेंट क्या कर रहे थे। दरअसल मीन को मैं कॉफी शॉप ले जाना चाहता था, लेकिन वो मैनेजर खुद को हीरो समझकर शो ऑफ करने लगा और इसलिए मैंने उसको फॉलो किया ताकि उसे मैं मजा चखा सकूं, लेकिन मुझे ऊपर अलाउ नहीं किया गया इसलिए मैं वापस चला गया। अब एक किम को उस लड़की का कटा हुआ दिखाते हैं। वो कहता है कि इसको आरे से काटा गया है। अब सभी चौंक जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि इसको आरे से काटा गया है। तो किम बताता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि इसको पक्का आरे से काटा गया है। अब ली मीन को बताता है कि हमें 90% यकीन है कि किम ही वो आदमी है। हम उसके फिंगरप्रिंट्स और उस टूल बॉक्स की फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखेंगे जिससे उस लड़की का हाथ काटा गया था, और अगर मैच हो गया तो समझो इसको जेल जाना ही पड़ेगा। अब डरने की कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। अब मीन उस अपार्टमेंट में रहना ही नहीं चाहती और दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ का ओनर कहता है कि इस फ्लैट की एक ही चाबी है, अगर तुम चाहो तो इसकी डुप्लीकेट बनाकर रख सकती हो। वहाँ पुलिस स्टेशन में किम किसी तरह लॉकअप से बचकर बाहर आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। वो सीधे मीन के पुराने अपार्टमेंट में जाकर सिक्योरिटी से कहता है कि मैं मीन का कजन हूँ, उसके पापा चल बसे हैं और मैं उसको इन्फॉर्म करने आया हूँ। लेकिन सिक्योरिटी उसको मीन की कोई डिटेल्स नहीं देता और किम चिढ़कर सिक्योरिटी को धमकाने लगता है। अब मीन के नाम एक बॉक्स आया होता है जिसके अंदर एक फोन है, उसमें मरी हुई उस लड़की की फोटोज होती है और ये उस खूनी का फोन है। तब उसके फोन पर उसकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो उसकी फ्रेंड के बजाय वही खूनी नजर आता है और उसने मास्क पहना हुआ है। दरअसल वो हाइजो के घर में छुपा होता है और मीन चिल्लाती है कि हाइजो वो आदमी तुम्हारे घर में ही है, और फिर जल्दी में इस फ्लैट का डोर लॉक किए बिना ही अपने फ्रेंड के घर भाग जाती है। और रास्ते में वो वीडियो में देखती है कि वो आदमी हाइजो को एनेस्थीसिया देकर उसके पैर काट रहा है। मीन और तेज भागती है और वहां जाकर दरवाजा पीटकर चिल्लाती है कि प्लीज उसको कुछ मत करो, और तब उसके पीछे किम खड़ा होता है। वो मीन को पूरी तरह से मारता है और तब पुलिस वहां आकर किम को अरेस्ट कर लेती है। अब मीन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ली उसे बताता है कि किम ऑलरेडी हाइजो का पैर काट चुका था। फिर तुम्हें ट्रैप करने के लिए उसने कॉल पर वीडियो रिकॉर्डिंग तुमको दिखाई और यही है वो खूनी और यही तुम्हारे फ्लैट में आया करता था। कल हमें सारा एविडेंस मिल जाएगा और फिर ये जेल में सड़ेगा। अब मीन हाइजो से मिलती है और बहुत ही रोती है कि मेरी वजह से तुम्हारा पैर कट गया और मैनेजर का भी खून हो गया। उसकी फ्रेंड उसको दिलासा देती है कि डर मत यार, उस आदमी ने पैर ठीक से नहीं काटा था, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी से मेरा पैर ठीक कर देंगे और फिर मैं भाग सकूंगी। और इस तरह उसका मूड ठीक करके वो मीन को घर भेजती है। अब ली मीन को एक पेंगुइन डॉल देता है और कहता है इसे अपने नए घर में रखो, इसमें सर्विलेंस कैमरा है जो घर के अंदर रिकॉर्डिंग करता रहेगा। मीन उसे घर में रखकर चेक करती है और वो ठीक तरह से काम कर रहा होता है। फिर वो सुपरमार्केट में जाकर कुछ चीजें खरीदती है। तब पुराने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उससे बातें करने लगता है। वो बताता है कि मेरा घर आपके नए घर के पास ही है, अगर कोई मदद चाहिए तो मुझको कॉल कर दीजिए। वो जरा फ्लर्ट भी करने लगता है, ओके भैया जरूर कॉल करूंगी, ये कहकर वो अपने आइटम्स बिल करके बाहर निकलने वाली होती है। तब सिक्योरिटी बिलिंग काउंटर पर अपना आइटम को देखता है। और दोस्तों अब आएगा मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सिक्योरिटी अपना आइटम बिल करता है तो बिलिंग क्लर्क उस आइटम का रेट $3.20 बताता है। ये सुनकर मीन नर्वस होकर मुड़कर देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही वही ओल्ड मॉडल का डिजिटल वॉच पहना हुआ है। अब मीन को ही नहीं हमें भी शॉक पे शॉक मिल रहा होता है। पहले लगा कि बैंक मैनेजर ही खूनी था, फिर बैंक कस्टमर किम, और अब आखिरी में लग रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड ही सब कुछ कर रहा है। किम घबराकर वहां से निकलती है और सीधे घर जाकर अंदर से सारे लॉक्स को लगा देती है। तब उसे इंस्पेक्टर ली का कॉल आता है और कहता है कि किम को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स टूल बॉक्स के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे थे। इतना ही नहीं, रिलीज होने के बाद किसी ने किम का खून भी कर दिया है, मतलब खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, इसलिए तुम बाहर मत निकलना, मैं जल्द ही वहां आ रहा हूं। अब मीन एकदम सुन्न हो जाती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। वहां ली मीन के नए घर को सिक्योर करने के लिए अपनी फोर्स को भेजता है और यहाँ मीन डरी भी अपने बेड पर बैठी होती है। तब वो देखती है कि सुपरमार्केट में उस सिक्योरिटी ने जो आइटम खरीदा था वो उसके टेबल पर रखा होता है, और अब मीन की धड़कन लाउड स्पीकर पर बज रही होती है और वो मुड़कर उस पेंगुइन डॉल को देखती है जिसमें सर्विलेंस कैमरा है। फिर हिम्मत करके अपने मोबाइल पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है। दोस्तों हमारी भी धड़कन अब तेज होने लगती है, और जैसे ही वो फुटेज को फॉरवर्ड करने लगती है तो दिखाई देता है कि मीन के आने से कुछ पल पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुस गया और यहाँ वहाँ देखने लगा।
फिर वो धीरे से बेड के नीचे चला गया, मतलब इस वक्त वो आदमी इसी बेड के नीचे छुपा हुआ है। एक मिनट के लिए अपने आप को मेन की जगह पर इमेजिन कीजिए। सबसे डरावनी बात तो यह है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है, जैसे कि आप इस बात को जानती नहीं। जरूर हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, है ना। यही हाल मिन का भी होता है। वो एक सेकंड के लिए सोचती है और छट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और किसी तरह वो डोर तक पहुंच जाती है, लेकिन डोर खोलने से पहले ही मिन को पकड़ लेता है। यहाँ ली को पता चलता है कि उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड किसी होटल में काम किया करता था और वहाँ भी एक लड़की ने खुदकुशी की थी और दूसरी लड़की लापता हो गई थी। अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया है और तभी से वो होटल भी बंद पड़ा होता है। इतना ही नहीं, इसके आने के बाद भी मिन के पुराने अपार्टमेंट में एक लड़की लापता हुई थी और एक आदमी का खून भी हो चुका है। अब ली को सिक्योरिटी गार्ड पर शक होता है और उसे लगता है कि उसने मिन को उस पुराने होटल में रखा होगा। अब आधे होश में मिन पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि अकेलापन कितना बड़ा शाप है, ये मुझसे ज्यादा तुम ही जानती हो। उस अपार्टमेंट में मैं बहुत ही अकेला फील करता था और कोई मुझे ठीक से भी नहीं देखता था। मुझे लगा कि तुम मेरा दर्द समझोगी, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह हो। क्या सिक्योरिटी गार्ड का दिल नहीं होता? खैर वो सब छोड़ो, अब मैंने तुमको एनेस्थीसिया दे दिया है, दरवाजा भी खुला है, अगर तुमसे बन पड़े तो तुम भाग सकती हो, लेकिन अगर मैंने तुमको फिर से पकड़ लिया तो तुम्हारे हाथ पैर फिर काट दूंगा। अब यहाँ ली इस होटल में पहुंच चुका है और नीचे के रूम चेक कर रहा होता है। इसी बीच मिन उस आदमी को उसी के एंगेशन के साथ अटैक करती है और बड़ी मुश्किल से रेंगती भी बाहर आती है। बाहर कोशिश करके वो कॉरिडोर में आगे बढ़ती है, लेकिन सिक्योरिटी गाना गाता हुआ उसका पीछा करता है। इतने में मिन एक रूम में घुस जाती है और सिक्योरिटी को अटैक करने के लिए तैयार होती है। तब ली वहां जाता है और मिन को पुकारता है। मिन ली से कहती है कि वो साइको यहीं पर है, आप केयरफुल रहना। इतने में सिक्योरिटी ली को अटैक करता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तब ली उसके घुटने में दो बार शूट करता है और अब दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं और अचानक खामोशी छा जाती है। मिन धीरे से जाकर देखती है तो ली की गर्दन पर वो साइको चाकू चला रहा होता है और ली बेचारा वहीं मर जाता है। साइको ली की गन लेकर मिन के पास आने लगता है और मिन नीचे का कारपेट खींचती हुई और वो नीचे गिर जाता है। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच मिन ली की गन को उठाकर उसको शूट करती है, लेकिन उसमें बुलेट नहीं होती है। अब साइको को और गुस्सा आने लगता है और वो मिन को जमीन पर जोर से पटकने लगता है। मिन उठ ही नहीं पाती। अब वो मिन के हाथ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन मिन उसका घुटना दबाती है जहां पर ली ने उसको गोली मारी थी और दर्द के मारे वो चिल्लाता है और मिन को छोड़ देता है। मिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब एक लकड़ी का भारी शीट दोनों पर गिर जाता है जिस पर कई किल्स ठोके होते हैं और इस तरह साइको का हाथ एक कील के नीचे दब जाता है और मिन भी उस शीट के नीचे दबी हुई है। अब साइको उसको खींचकर अपने पास लाता है और कहता है कि हम दोनों इस तरह हमेशा साथ रहेंगे। मिन उसको अटैक करने की कोशिश करती है और अब दोनों में हाथापाई होती है। एन वक्त पर मिन अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर धकेलती है और ऊपर की कील उसके सर पर लग जाते हैं और इस तरह साइको सिक्योरिटी गार्ड का दी एंड। अगले दिन हर चैनल पर इस साइको के बारे में न्यूज चल रही होती है। अब फिर एक बार मिन को दिखाया जाता है जो चैन से अपना काम कर रही होती है और एक पीसफुल लाइफ जी रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपको थ्रिलिंग लगी हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।